अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्पेशल से व्यूअर्स के लिए स्पेशल सी रेसिपी है आज, ऑमलेट। बहुत ही जूसी बनता है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 सब्ज मिर्चें ली हैं मैंने, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज़ की टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ है, और स्प्रिंग अनियन है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है सब्ज प्याज। 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, और 2 अदर डंडे जाएंगे इसमें। एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ऐड कर लेती हूँ। दोनों एग्स को शामिल कर लेते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सारे जो अज्जा हैं वो आपके घर में अवेलेबल होते हैं। स्प्रिंग अनियन, सॉल्ट, सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैं। स्प्रिंग अनियन ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ कर लें तो बहुत ही जूसी ऑमलेट बनेगा आपका, अदरवाइज आप पे है अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो। सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेते हैं और अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया है। इसमें हम इस सारे मिक्सचर को ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा प्री हीटेड था मीडियम फ्लेम पे, अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, और लो फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है। ठीक है, 4 to 5 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे एक साइड को, और साइड चेंज करेंगे इस तरह से। बिल्कुल ज़बरदस्त, इस तरह से आप साइड चेंज करेंगे, और फिर से आप दूसरी साइड को भी 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा ऑमलेट रेडी है, कलरफुल, टेस्टी एंड जूसी। आप ब्रेकफास्ट में इसको खाएं, सहरी में खाएं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी है। प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स के साथ रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक की